Hello students, this is a video of class 3. Today we will discuss about exercise of chapter 5. आइए शुरू करते हैं. A. Multiple choice questions. Tick the correct option. इसमें हमें क्या करना होता है, एक question होता है और चार options होते हैं. ठीक है, इनमें से जो सही है उस पर हमें tick करना है. Okay. Which of the following can be seen in Kashmir Valley? कश्मीर वैली में इनमें से कौन से टाइप के हाउस दिखाई देते हैं? कारवां, टेंट्स, हाउस बोट, इग्लू. अब देखिए, कारवां जो है क्या वो कश्मीर वैली में दिखाई देता है? हमने चैप्टर में पढ़ा था. टेंट्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इग्लू नहीं, वहां पे कौन से दिखाई देते हैं? हाउस बोट दिखाई देते हैं कश्मीर वैली में मेनली. ठीक है. सेकेंड, बंगलो इज अ डैश. कच्चा हाउस, पक्का हाउस, टेंट फ्लैट. जो बंगलो है क्या वो एक कच्चा हाउस है? नहीं. क्या वो एक टेंट है? नहीं. फ्लैट? बिल्कुल भी नहीं. बंगलो जो है वो किसका टाइप है? पक्का हाउस का टाइप है, जो बहुत ही मजबूत होता है. थर्ड, विच इज अ टेम्परेरी हाउस. टेम्परेरी हाउस कौन सा होता है? बंगलो. क्या बंगलो एक टेम्परेरी हाउस है? टेम्परेरी हाउस कच्चा हाउस ही होता है, तो क्या बंगलो एक कच्चा हाउस है? नहीं. पक्का हाउस? बिल्कुल भी नहीं. फ्लैट, फ्लैट क्या है? फ्लैट तो एक पक्का हाउस है. हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेंट. एक टेम्परेरी हाउस जो है वो कौन सा है? टेंट. फोर्थ, पक्का हाउस आर बिल्ड ऑफ. पक्का हाउस किससे मिलकर बने होते हैं? बैम्बू से, सीमेंट, फ्लैट, स्ट्रॉ. बैम्बू से तो कच्चा हाउस मिलकर बना होता है. फ्लैट बिल्कुल भी नहीं. स्ट्रॉ, सो घास फूस से बना होता है पक्का हाउस? नहीं. हमारा पक्का हाउस किससे मिलकर बना होता है? सीमेंट से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इस पर कर देंगे टिक. ओके. बी, टिक राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. हमें क्या करना है, जो ट्रू है उसके आगे राइट लगाना है और जो फॉल्स है उसके आगे रॉन्ग लगाना है. फर्स्ट, एस्किमोज लिव इन कैरावंस. क्या एस्किमोज कैरावंस में रहते हैं? हमने पढ़ा चैप्टर में. नहीं, एस्किमोज तो किस में रहते हैं? इग्लू में रहते हैं. ओके, सॉरी, दिस इज रॉन्ग. ओके. सेकंड, मल्टी स्टोरी यार्ड बिल्डिंग हैज़ मैनी फ्लैट्स. मल्टी स्टोरी यार्ड बिल्डिंग है, उसके बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर. यस, बिल्कुल सही. उसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं. ठीक है. थर्ड, जनरली सोल्जर्स यूज टेंट्स टू लिव इन. क्या जो सैनिक हैं हमारे, क्या वो टेंट्स का यूज़ करते हैं रहने के लिए? बिल्कुल सही, क्योंकि उनको क्या होता है, जिस दूसरी जगह जाना होता है टाइम टू टाइम. आज यहाँ रह रहे हैं या फिर थोड़े दिन बाद कहीं और रहना है, तो वो टेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि टेंट को बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है. अ कच्चा हाउस इज नॉट मेड ऑफ मड एंड बैम्बू. कच्चा हाउस जो है क्या वो मड एंड बैम्बू से नहीं बना होता? क्या वो मिट्टी से, कीचड़ से या बैम्बू से नहीं बना होता? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो तो इन्हीं से बना होता है, मड, बैम्बू से, स्ट्रॉ से. सी, मैच द पिक्चर्स. हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को उनके नेम के साथ मैच करना है कि ये कौन सा हाउस है. फर्स्ट, ये देखिए कौन सा हाउस है, ये तो हाउस ऑफ आइस है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इग्लू. तो इसको हम किससे मैच कर देंगे? इग्लू से. सेकंड, दिस इज अ कच्चा हाउस. ओके, ये क्या है? कच्चा हाउस है. थर्ड, दिस इज अ क्या दिख रहा है ये आपको? टेंट. क्या है? टेंट है. फोर्थ, दिस इज अ पक्का हाउस. बंगलो टाइप है ये. ये क्या है? पक्का हाउस है. डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. हमें जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प से इनको फिलअप करना है. फर्स्ट, डैश लिव इन इग्लूज. इग्लूज में कौन रहते हैं? अभी भी बताया था, एस्किमोज. एस्किमोज कहाँ रहते हैं? इग्लू में रहते हैं. वी यूज डैश टू गो अप इन मल्टी स्टोरी यार्ड बिल्डिंग. जो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, जहाँ पे बहुत सारे जो हैं अलग अलग फ्लैट्स होते हैं, उनमें अगर ऊपर जाना हो हमें बहुत ऊपर फ्लोर पे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिफ्ट का यूज़ करते हैं. किसका यूज़ करते हैं? लिफ्ट का. हाउस बोट्स कैन बी सीन इन. हाउस बोट्स कहाँ होते हैं वो भी अभी पढ़ा था हमने. कश्मीर,
कश्मीर में मेनली वो यूज़ किए जाते हैं। डैश लिव इन कैरावंस, कैरावंस में कौन रहते हैं? नोमैड्स, नोमैड्स क्या होते हैं? खाना बदोश। फिफ्थ, टेंट्स आर मेड ऑफ डैश शीट, टेंट्स जो है वो किससे बने होते हैं? कैनवस शीट से बने होते हैं पूरे के पूरे, जिसकी हम रूफ वगैरह बनाते हैं ना साइड में, वो क्या है, किस चीज़ से बनी होती है? कैनवस शीट से। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज फ्लैट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैट क्या होता है हमें बताना है। फ्लैट इज इन मल्टी स्टोरियार्ड बिल्डिंग विद डिफरेंट ऑनर, एक मल्टी स्टोरियार्ड बिल्डिंग होती है बहुत बड़ी, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फ्लैट्स होते हैं जिनके अलग अलग ऑनर होते हैं, और ये क्या है, एक परमानेंट हाउस, एक पक्का हाउस का टाइप है। सेकेंड, व्हाट आर मल्टी स्टोरियार्ड बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरियार्ड बिल्डिंग्स क्या होती हैं? तो क्या होती हैं मल्टी स्टोरियार्ड बिल्डिंग्स? आर दोज हैविंग मैनी फ्लोर्स, ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो होती हैं जिनके बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, हर फ्लोर पे अलग अलग फ्लैट्स होते हैं जिनमें अलग अलग फैमिलीज रहती हैं। थर्ड, राइट फाइव फीचर्स ऑफ एन आइडियल हाउस, हमें क्या करना है, एक आइडियल हाउस के फाइव फीचर्स बताने हैं, ठीक है। सबसे पहला तो होता है कि एक हाउस जो है, एक आदर्श हाउस के फीचर बताने हैं हमें। सबसे पहला तो क्या है कि इट प्रोवाइड अ शेल्टर, कि वो हमें क्या दे, शेल्टर दे, रहने की जगह दे। दूसरा क्या हो जाएगा, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, वो हमें क्या, गर्मी सर्दी और बारिश से बचाए, वही एक अच्छा हाउस कहलाता है। थर्ड क्या हो जाएगा, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स टू, ये हमें चोरों से और जानवरों से बचाए। एंड नेक्स्ट इज एन आइडियल हाउस अलोस सनलाइट टू एंटर द रूम्स, एक आदर्श जो घर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, सनलाइट के अंदर आने की जो एंट्री होने की जगह है वो ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, मतलब कुछ विंडोज़ होनी चाहिए। इनके आंसर्स आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं, आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज इग्लू, इग्लू क्या होता है, हमें पता है इग्लू तो बर्फ का घर है। इग्लूज आर द हाउसेज मेड अप ऑफ स्नो, इग्लू क्या है, वो हाउसेज हैं जो स्नो से बने हुए हैं, और इनके अंदर कौन रहते हैं, एस्किमोज लिव इन दिस हाउसेस। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड हाउस, हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वी नीड हाउस टू लिव इन, ओके, हमें हाउस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, रहने के लिए, और इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, ये हमें क्या करता है, गर्मी सर्दी और बारिश से बचाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस पूरी एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे खुद से, घर पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।